हेलो कृषण बायो, इस वीडियो में बात करेंगे सफेद मक्खी जो फसलों में कैसे नियंत्रण करें, कौन सा कीटनाशक बेस्ट है सफेद मक्खी जैसे व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए, और उसका डोज कितना फसलों में स्प्रे करना है, कितना बार फसलों में स्प्रे कर सकते हैं सफेद मक्खी नियंत्रण करने के लिए, जो कीटनाशक आप यूज करना है इसके बारे में ए टू जेड बात करेंगे सफेद मक्खी कंट्रोल करने का बेस्ट कीटनाशक के बारे में। वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आइए बात करेंगे व्हाइट फ्लाई नियंत्रण करने के लिए फसलों का, आप कोई भी सब्जियों का खेती बारे में, जैसे व्हाइट फ्लाई की वजह से जो इंसेक्ट आता है इसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा कीटनाशक यूज करना है। जैसे साई क्रॉप साइंस कंपनी का साई माजास जो कीटनाशक है सिर्फ जो व्हाइट फ्लाई नियंत्रण कर सकता है आपका फसलों का, जो सब टेक्निकल क्या फॉर्म रहता है अब इसके बारे में बात करें। जैसे पाइरीफॉक्सीफेन 10% प्लस बाइफेंथ्रिन 10% इसी फॉर्म में रहता है जो बेहतरीन काम करता है फसलों में सफेद मक्खी नियंत्रण करने के लिए। कृषण भयो आए बात करेंगे सफेद मक्खी कौन कौन सा फसलों में ज़्यादातर आता है, जैसे मिर्च का फसलों में, टमाटर का फसलों में, भिंडी का फसलों में, प्याज का फसलों में, लहसुन का फसलों में, जैसे आपका सब्जी वर्गीय फसलों में, कीड़ा का फसलों में, करेला का फसलों में, जैसे सफ़ेद मक्खी ज़्यादातर आता है। और इसके आने के बाद क्या होता है, सफ़ेद मक्खी की वजह से आपको कोई भी सब्जियों का खेती बारे में पत्ता मुड़ने वाली बीमारी आ जाता है, जिससे सफ़ेद मक्खी जो एक वायरस इंसेक्ट है जो फसल खराब हो जाता है वायरस के लिए, अब क्या होता है जैसे आपका पत्ता मुड़ने वाली बीमारी ज़्यादा आ जाता है आपका खेती बारी में और फसल अच्छा नहीं मिलता है। इसके लिए आप कौन सा कीटनाशक यूज़ करना है, जो इस वीडियो में बात किया था साई क्रॉप साइंस कंपनी का साई माजास जो कीटनाशक है बेहतरीन काम करता है सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए, जो एक सफ़ेद मक्खी सिर्फ नियंत्रण करता है, दूसरा कोई कीटों को नियंत्रण नहीं करता है जो साई माजास कीटनाशक है। आई बात करेंगे साई क्रॉप साइंस कंपनी का जो साई माजास कीटनाशक है उसका डोज फसलों में कितना स्प्रे करना है। कोई भी फसलों में आप जैसे कीटनाशक यूज़ करता है तो उसका डोज सही होना चाहिए, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए जो साई माजास कीटनाशक है उसका डोज लगभग 100 ml आप 80 से 100 L पानी में घुल कर स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक के साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपका उसका रिजल्ट कब मिलता है स्प्रे करने के बाद, लगभग 10 to 12 days के अंदर उसका रिजल्ट भी मिल जाता है फसलों में आपका कोई भी खेती बाड़ी में सब्जियों में स्प्रे करने के बाद उसका रिजल्ट लगभग 10 to 12 days के अंदर मिल जाता है। और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना है, जैसे दूसरा स्प्रे लगभग 15 से 21 days के बाद आप दूसरा स्प्रे भी फसलों में कर सकते हैं। ये साई माजास कीटनाशक का बेहतरीन काम भी करते हैं सफ़ेद मक्खी नियंत्रण करने के लिए। किसान भाइयों आए बात करेंगे सफ़ेद मक्खी फसल में क्यों आता है, जो इंसेक्ट सफ़ेद व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट आता है ज़्यादातर, क्या वो जो एक वायरस इंसेक्ट है जो आप बीज बुनने के बाद जो पौधों का टर्मिनेशन हो जाता है इसी टाइम से वो इंसेक्ट जो वायरस इंसेक्ट आपका पौधों में रह जाता है, उससे धीरे धीरे आपका फसल खराब कर देता है, वो पत्ता मुड़ने वाली बीमारी ज़्यादातर आ जाता है जो व्हाइट फ्लाई का वजह से, और फसल भी खराब हो जाता है। इसलिए आप क्या करना है सही कंपनी का जो साई क्रॉप साइंस कंपनी का साई माजास कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं नियंत्रण करने के लिए, नहीं तो कोई भी कंपनी का जिसे पाइरीफॉक्सीफेन प्लस बाइफेंथ्रिन जो 10% इसी कीटनाशक है स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। और बात करेंगे साई माजास जो कीटनाशक है उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक स्प्रे कर सकते कौन कौन सा कीटनाशक, जैसे उसका साथ एसिटामारपीट, एसीपेट, डाइपमेथोएट, प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन, कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं आपका फसलों में। इसके बाद अलावा जैसे इमिडाक्लोरोफिट, कोई भी इमिडाक्लोरोफिट भी स्प्रे कर सकते हैं इसके साथ मिक्स करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो साई माजास रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इस वीडियो में बात किया था साई माजास कीटनाशक के बारे में, उसका कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन सा फसलों में यूज कर सकते हैं, इसका वजह से कौन सा बीमारी ज़्यादातर फसलों में आता है सफ़ेद मक्खी की वजह से, लगभग ए टू जेड इस वीडियो में बात किया था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, कौन सा टॉपिक में आप वीडियो चाहता है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट भी करना।